देश में निवेश की संभावनाएं बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइब्रेंट गुजरात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का हाल वाइब्रेंट गुजरात जैसा नहीं हो, इसे लेकर हम कमिटेड और डिलीवर्ड थीम पर समिट आयोजित कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के जरिए प्रदेश में करीब 11 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया है। समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम जानते हैं कि 11 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसके आधे का निवेश भी राजस्थान में होता है तो ये राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइब्रेंट गुजरात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन करवाया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस समय जितने निवेश का दावा किया गया था उसमें से धरातल पर केवल 10 से 15% तक ही उतरा। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसे लेकर हम कमिटेड और डिलीवर्ड थीम पर समिट का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले से MOU और LOI साइन किया है। वहीं 40% से ज्यादा निवेश क्रियान्वयन की स्टेज पर है। जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है, आप बयान की खुशी होगी, उसके कारण 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितने बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिड़ला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंगानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के सेगावड़ी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए तकलीफ में गए थे, कहते हैं साहब एक थाली आज गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्मृत किया और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। समिट में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी सहित सीके बिरला ग्रुप के सीके बिरला, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह, सेंट गोबिन इंडिया के बी संथानम, DCM श्रीराम के अजय श्रीराम और बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज मौजूद रहे। सभी ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अपने निवेश को लेकर जानकारियां दी। अडानी ग्रुप राजस्थान में 60,000 करोड़ के निवेश के साथ 2 मेडिकल कॉलेज बनाने और उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में मदद करेगा। वहीं टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि एनर्जी और गैस में निवेश के साथ टोरेंट ग्रुप जयपुर में एक्सीलेंस क्रिकेट अकेडमी बनाने में सहयोग करेगा। इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने, आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अडानी फाउंडेशन अडानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। टोरेंट ग्रुप से हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलर और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंट एंड
वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी जयपुर, उसके लिए जयपुर में हम लोग काम साथ में काम करेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर जो दावे किए गए वो अब हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।